मापे नेशन भारत के साथ मैं राकेश। सुपौल में बिना सीमांकन किए अधिकृत जमीन में लगे मकई की फसल को प्रशासन द्वारा जबरन काट दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सदर थाना क्षेत्र के बकौर गांव का है। बताया जा रहा है कि भारत माला परियोजना के लिए इस गांव में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं जिस जमीन से होकर सड़क बनाई जाएगी इसके लिए रैयतों का मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन रैयत का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बावजूद भी उक्त जमीन का प्रशासन द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा सीमांकन नहीं किया गया, जिसके कारण किसान अपने जमीनों में पहले की तरह ही मकई की बुआई कर दी है। क्योंकि उस अधिकृत जमीन के प्लॉट में किसानों को यह पता नहीं चल सका कि जमीन जिसे अधिग्रहित किया गया है उसका सीमा क्या है और कहां है, लिहाजा किसान अपने पूरी जमीन में फसल की बुआई कर दी है। सीमांकन कराने को लेकर किसानों ने जुलाई माह में भी वहां के डीएम से मिलकर शिकायत की थी, जिसके बाद समुचित किसानों को आश्वासन भी दिया गया था कि बावजूद सीमांकन नहीं कराया गया। सर मामला यही छे से वो मकई के लिए वो पहले तो चिट्ठी डीएम दल के कल के मकई नहीं कटे के लिए आ कल खुना बाई जबरदस्ती वो से गाड़ी दौड़ा का वो सब क्षति कल के हम सब गरीब आदमी बैंक से कर्ज उठा का खेती फसल के लिए टोटल फसल के उजाड़ के बाई जबरदस्ती समाप्त कल के हमारा तो मुआवजा चाहिए सर। हम डीएम साहब को पहले आवेदन दे चुके हैं, डीएम साहब आश्वस्त किए थे जब तक मकई होगा तब तक काम नहीं होगा, लेकिन कल डीएसपी साहब और एसडीओ साहब आकर के जबरन मकई को कटवा दिए। कितने जमीन में लगे हुए थे फसल जिनको जबरन काट दिया? 3 एकड़ से ज्यादा। तो क्या मामला पूरा क्या था, क्यों कटवा दिए? उनका कहना था जमीन अधिग्रहण किया गया है, मेरा कहना था चूंकि 8 बीघा से ऊपर का प्लॉट है जिस किधर से जमीन सीमा उसका सीमांकन नहीं करवाया गया प्रोजेक्ट की तरफ से, इसलिए डीएम साहब बोले जब तक सीमांकन नहीं हुआ तब तक हम किधर से छोड़ देते, वो मामला फंसता था, इसलिए मैंने समूचे प्लॉट में मकई लगवाए और उसके बाद कलेक्टर साहब को लिख करके मैंने दिया और देने के बाद वो आश्वस्त किए जिन्हें जब तक फसल नहीं अथी होगा प्रोजेक्ट का गलती है तब तक आप मकई आपका लगा रहेगा, लेकिन कल जबरन आकर के पुलिस प्रशासन एवं एसडीओ साहब सो मकई को कटवा दिए। गरीब लोग थी हम कर्जा उठा कर खेती कर लून बाबू, हमरा नहीं है कोई लाख बाबू हमरा दे दो पैसा। सर यहाँ के दोनों बगल जमीन है, सड़क बीच में सड़क पड़ता है और दोनों बगल पूरा प्लॉट है यहाँ से लेके मिर्चा तक, अब इसमें कितना जमीन सड़क में गया कितना नहीं गया इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग तो घर अंदाजे फसल बुनना चालू कर दिए, फसल बुनने के बाद बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद ये आज काल में आया हमीन, कभी इधर के नाप को देता है कभी इधर को देता है और ये कल को आया यहाँ और बाय जबरदस्ती, हम तो हार्ट प्रेशर आदमी हैं हम डर से भाग के वहाँ चले गए, वो गैस आ गया मेरा ये देख करके कड़े जूठा उठा खेती किए हैं सर। बस पुलिस वाला आया हम लोग को धमकी दिया फसल काटने के लुटा दिया हम लोग, हमको घर वाली बीमार है अभी। कितना फसल कटवा दिया? हमको 4 बीघा हुआ, हमको हिस्सा 4 बीघा मेरा है। हाँ 4 बीघा। तब क्या चाहते हैं? हमको चाहिए इसका क्षतिपूर्ति मिल जाइए। नहीं रैयत अगर हमारे आरोप लगा रहे हैं तो आरोप तथ्यहीन है, बहुत पूर्व में लोग पुल निर्माण के लिए उस जमीन को अधिग्रहण कर चुके हैं, सारे रैयतों का मुआवजा का भुगतान भी हो चुका है, ना समझे में किसानों ने उस जमीन पर फसल लगा दिया है, चूँकि बरसात है बरसात के पूर्व काम होना जरूरी है इसलिए कार्य हित में हम लोगों ने भी फसल को हटाया है जो इलीगल तरह से लगाया गया था। इधर अब किसान अपने खेतों में मकई की बुआई कर दिए जो अब कुछ ही दिनों में तैयार होने के बाद काटे जाने की संभावना थी, लेकिन इसी बीच प्रशासन की टीम वहां पहुंची और सीमांकन कराकर खेत में लगे मकई की फसल को काटकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सबसे दुखद स्थिति उन बटाईदारों की है जिसने रैयत से जमीन बटाई पर लेकर मकई की खेती की थी, लेकिन प्रशासन ने उनके खेत में खड़ी फसल को काटकर जमींदोज करवा दिया, जिससे वो लोग आक्रोशित भी हैं और हलकान परेशान भी हैं। हालांकि किसानों के फसल क्षति को लेकर एसडीओ ने कहा कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा ताकि किसानों को क्षति का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाए रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े roofffoundation.org पर जाएं।
या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। गरीब लोग कर्जा उठा कर खेती कैलू बाबू, हमरा नहीं है कोई लकड़ा बाबू, हमरा दे दो पैसा। की भेले, किया रो रहल छ? अरे ने कानी अब का कर, ने कानी रो रहल छ किया? की भेले, मामला की छे बोलो? की मामला छे बोलो? जबरदस्ती सब मिल के उजाड़ दलका ओ बाबू सो। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें नेशन भारत के साथ। साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।